गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना हर एक वेबसाइट ओनर का सपना होता है, बट क्या आपको पता है, मैंने सिर्फ चैट जीपीटी एआई और अपनी एक सिंपल ओन पेज ऐसे चेकलिस्ट फॉलो करके नंबर वन रैंक अचीव किया है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। सो अगर आप भी अपने वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल का टॉप पर देखना चाहते हो तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ओन पेज एसईओ की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या ब्लॉगिंग में नए हैं तो ये समझना जरूरी है कि ओन पेज एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट के अंदर क्या चेंजेस कर रहे हैं ताकि गूगल आपकी साइट को बेटर समझे और उसको रैंक करे। इसमें आपके कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, यूआरएल स्ट्रक्चर, कंटेंट क्वालिटी सब कुछ आता है। ओन पेज एसईओ का मेन रोल होता है सर्च इंजन को बताना कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पर है। अगर ये सही तरीके से नहीं किया तो मैटर नहीं कितनी अमेजिंग बैकलिंक्स आपने बनाए हो, गूगल आपको टॉप पर नहीं लाएगा कभी। अच्छी बात यह है कि मैंने एक सिंपल ओन पेज एसईओ चेकलिस्ट फॉलो करता हूं, जो मैं आज आपको वो शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और ये चेकलिस्ट अगर आप चैट जीपीटी के साथ यूज करते हैं तो रैंकिंग और भी जल्दी और आसानी से इम्प्रूव हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, चैट जीपीटी की एआई कैपेबिलिटीज ने मेरी एसईओ स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको चैट जीपीटी एआई के बारे में बताता हूं। ये एक पावरफुल टूल है जो आपके कंटेंट राइटिंग और एसईओ रिसर्च में बहुत ही हेल्प कर सकता है। इसका यूज करके मैंने अपने ब्लॉग के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट बनाया जो कि नेचुरली ऑप्टिमाइज था। पहली चीज, चैट जीपीटी आपको कीवर्ड रिसर्च में मदद करता है। जस्ट उसको बताएं कि आपको टॉपिक और वो आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स का देगा जो आपके नीड्स के लिए बेस्ट है। दूसरी चीज, कंटेंट राइटिंग में चैट जीपीटी काफी हेल्पफुल है। आपको बस अपना टॉपिक देना है और ये एआई आपके लिए एसईओ फ्रेंडली पैराग्राफ्स लिख के दे देगा, यानी कि आपको कीवर्ड स्टफिंग या रीडेबिलिटी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह मैं हर ब्लॉग पोस्ट में रेलिवेंट कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली यूज करता हूं, जिससे मेरी रैंकिंग इंप्रूव होती है। अगर आप चैट जीपीटी को स्मार्टली यूज करते हैं और इस ओन पेज जैसे चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल के टॉप में रैंक करा सकते हैं। मैंने ये प्रोसेस अपने ब्लॉग्स पे यूज किया है और रिजल्ट कुछ दिनों में ही दिखने लगे हैं। मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ने लगा है और इवेंचुअली मैंने अपने टारगेट कीवर्ड पर नंबर वन पोजीशन रैंक भी अचीव करी है। अब बात करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरीके से आपको चैट जीपीटी की हेल्प से आपका अपना कंटेंट किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो गूगल में रैंक हो सके टॉप पे। सबसे पहले मैं चलता हूँ गूगल पे। सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। टॉपिक फाइंड करने के लिए आप कोरा, पिंटरेस्ट या फिर गूगल ट्रेंड्स या फिर गूगल न्यूज, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने नीड से रिलेटेड अपने टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं ब्लॉग के लिए, आर्टिकल के लिए। कुछ कीवर्ड्स दिखा देता हूँ जो मैंने रैंक करे हैं कुछ दिनों में। जैसे अगर मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, एक यहाँ पे एमबीबीएस इंटर्नशिप सैलरी इन रसिया, ये एक कीवर्ड है। मैं पहले आपको लाइव रिजल्ट दिखाता हूँ। इस कीवर्ड को मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, एंटर करूंगा। आप यहाँ देखोगे जो ये वेबसाइट है eocelindia.com, इस ये एक ब्लॉग है, हमने रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले एक ब्लॉग डाला है और आप यहाँ देखोगे ये नंबर वन पे है इस कीवर्ड के ऊपर। तो इसी तरीके से आप भी अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए और एंड तक जरूर देखिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई ब्लॉग टॉपिक या आर्टिकल टॉपिक होना चाहिए जिसके लिए आपको ब्लॉग लिखना है। एमबीबीएस इंटर्नशिप चैलेंज इन रसिया, मुझे इसके बारे में लिखना था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एसईओ टूल यूज करना है कीवर्ड रिसर्च के लिए। सबसे पहले हमें करनी है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैं यूज करता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर, ये गूगल का खुद का टूल है और यहाँ पे आपको रेलिवेंट और रियल डाटा मिलता है देखने को। मैं चलता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर पर। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको इनिशियली अगर आपको जल्दी इस तरीके से रैंक करना है तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टेल और लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स पे आपको काम करना है, ठीक है। आपको ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिस पे कॉम्पिटिशन लेवल काफी कम हो पर मिनिमम सर्च वॉल्यूम हो उसके उसके ऊपर, ताकि आप इजिली स्टार्टिंग में रैंक हो पाओ। जैसे ये मेरा कीवर्ड था, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एंटर करूंगा, गेट रिजल्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको नीचे कीवर्ड आइडिया जनरेट करके दे देगा, ठीक है। जैसे इस कीवर्ड पे 1000 तक सर्चेस वॉल्यूम है मंथली, तो ये कीवर्ड मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड होने वाला है, डिफिकल्टी भी इसकी लो है। मैं इसको यहाँ पे नोटपैड में रख लेता हूँ। ऐसे ही मुझे इसके दो तीन कीवर्ड्स और निकालने हैं रिलेटेड कीवर्ड, जैसे कि ये वाला कीवर्ड्स, इस पे भी देखोगे 1000 तक सर्चेस वॉल्यूम है और कॉम्पिटिशन लेवल भी लो है, तो ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। अब आपके पास या तो कंटेंट आप खुद से लिखवा सकते हैं या फिर आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी एआई कंटेंट लिखवा सकते हैं और उसको रैंक करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अभी दो कीवर्ड्स निकाल लिए हैं,
आपको और क्या करना है, इस कीवर्ड को सर्च करना है गूगल पे, कॉपी करो, यहाँ पे आके आपको गूगल पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको कीवर्ड आइडियाज, जो आपको नीचे कीवर्ड्स आते हैं ना, पीपल ऑल्सो सर्च, ऑल्सो सर्च वो, तो इनमें से आपको वो कीवर्ड्स निकालने हैं जो आपके लिए रेलिवेंट हो। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं नोटपैड में पेस्ट करूंगा, जो कीवर्ड इस ब्लॉग के लिए रेलिवेंट रहने वाले हैं उन्हीं कीवर्ड्स को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। जैसे ये तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, इसको हम हटा देंगे। एमबीबीएस डॉक्टर सैलिन रसिया, ये भी हो सकता है कीवर्ड हमारा, ठीक है। तो सारे के, हाँ ये कीवर्ड रेलिवेंट है, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड होने वाला है, ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है, और ये हमारे रिलेटेड कीवर्ड है जिनको हम LSI कीवर्ड्स बोलते हैं। अब देखना ये है कि हम चैट जीपीटी से कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। मैं चलता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना जीमेल से अकाउंट बना लेना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। सिंपली मैं चलता हूँ राइट फॉर्मी वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं आप देता हूँ एक प्रॉम्प्ट है जिसको हम बोलते हैं मैसेज, कि हमें चैट जीपीटी से करवाना क्या है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, ये आपको प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजिली अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर पाओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट मी अ ब्लॉग इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं दूंगा अपने ब्लॉग का टॉपिक, ठीक है। ये रहा मेरा ब्लॉग का टॉपिक, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसके यहाँ पेस्ट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा एंड दिस इज माई प्राइमरी कीवर्ड, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड होने वाला है, इसको मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाऊंगा, देन कॉमा, इसको भी इनको कीवर्ड को कॉपी करके मैं चलता हूँ अपने एक टूल पे, कॉमा सेपरेटर। ये मेरी वेबसाइट पे एक टूल है कॉमा सेपरेटर, ये इन सभी के आगे कॉमा लगा देगा ताकि ये सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ चैट जीपीटी पे, एंड दीज आर सेकेंडरी कीवर्ड्स, मैं इसको बोलूंगा कि ये सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं सारे, ठीक है। अब मेरे पास जो चेकलिस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं इसको बताने वाला हूँ कि इस चेकलिस्ट को फॉलो करके इस ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना है। तो ये चेकलिस्ट है मेरी ओन पेज SEO की, इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगा, ये कॉपी किया, और मैं इसको बोलता हूँ एंड फॉलो दिस चेकलिस्ट, और यहाँ पे मैं अपने चेकलिस्ट का लिस्ट दे दूंगा, देन एंटर। यहाँ पे क्या है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग इस ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करेगा, कीवर्ड प्लेसमेंट करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, आप देख सकते हो किस तरीके से, जैसे मेरे चेकलिस्ट यहाँ बताया था कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड टाइटल में यूज होना चाहिए बिगिनिंग में। टाइटल आप देख सकते हो, टाइटल में इसने यहाँ पे यूज किया, कर लिया कीवर्ड नेचुरली। फिर दूसरा यहाँ मैंने पॉइंट बोला हुआ है इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ देखोगे मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेरा ये प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड, दोनों कीवर्ड एक साथ यहाँ पे यूज हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट्रो है, और आपको देखोगे मैंने इसको बोला है इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड इन URL, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वही आपको URL में रखना है, स्लग जिसको हम बोलते हैं। तो इस चेकलिस्ट का कोडिंग इसने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब ये इस चैट जीपीटी ने हमारे कंटेंट में डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, टाइटल भी आ गया है, और जिस तरीके से हमें ऑप्टिमाइज चाहिए था वो ब्लॉग भी हमारा आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें क्या करना है, आपको दो तीन इंटर लिंक प्लेस करने हैं और दो तीन आपको एक्सटर्नल लिंक लगाने हैं रिलेवेंट वाले, ठीक है। देन सिंपली आपको पब्लिश कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो और डिफिकल्टी बहुत कम हो, और मिनिमम कम से कम 500 से 1000 तक सर्च वॉल्यूम हो। एक हफ्ते के अंदर आपका जो ब्लॉग है वो रैंक होगा डेफिनेटली, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं तो ट्राई कीजिए इस चेकलिस्ट को। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सिंपली मुझसे DM में, इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन या एक्सपीरियंस शेयर करें, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही SEO हैक्स के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।